चार्ली चैपलिन एक बेहतरीन कॉमेडियन थे। उनका पूरा नाम सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन है। अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख होते हुए भी उन्होंने लोगों को हमेशा हंसाया है। जब फिल्मों का ज़माना शुरू हुआ था तब शुरुआत में फिल्मों में आवाज़ नहीं थी, ऐसे में फिल्म की स्टोरी समझना मुश्किल होता था। लेकिन उस दौर में भी चार्ली ने अपने बेहतरीन एक्टिंग से लोगों को खूब हंसाया। अगर आज भी आप उनकी एक्टिंग देख ले तो तारीफ किए बगैर नहीं रहोगे। अपनी बेहतरीन एक्टिंग के कारण वह कॉमेडी का बादशाह कहलाने लगे थे। और फिर 25 दिसंबर 1977 को 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ऐसे ही व्यक्ति का हम कुछ आज विचार देखेंगे। सो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, कम टू द पॉइंट। जिंदगी पास से देखने में एक त्रासदी है, लेकिन दूर से देखने में कॉमेडी है। हम सोचते बहुत है और महसूस बहुत कम करते हैं। हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। ये बेरहम दुनिया है और इसका सामना करने के लिए तुम्हें भी बेरहम होना पड़ेगा। मेरा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होना चाहिए। आप किसका मतलब जानना चाहते हैं? जिंदगी इच्छा है, मतलब नहीं। ज़रूरतमंद दोस्तों की मदद करना आसान है, लेकिन उसे अपना समय हमेशा देना संभव नहीं हो पाता। मनुष्य एक व्यक्ति के रूप में प्रतिभाशाली है, लेकिन भीड़ के बीच मनुष्य एक नेतृत्वहीन राक्षस बन जाता है, एक महामूर्ख जानवर जिसे जहाँ हका जाए वहाँ जाता है। हम सभी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। मनुष्य ऐसे ही होते हैं। हम एक दूसरे के सुख के लिए जीना चाहते हैं, दुख के लिए नहीं। जिंदगी बढ़िया हो सकती है अगर लोग आपको अकेला छोड़ दे। हास्य टॉनिक है, राहत है, दर्द रोकने वाला है। सच में हंसने के लिए आपको अपनी पीड़ा के साथ खेलने में सक्षम होना चाहिए। बिना कुछ करे कल्पना का कोई मतलब नहीं होता। जिंदगी में एक बार अपने बारे में अवश्य सोचे, अन्यथा आप संसार की सबसे बड़ी कॉमेडी मिस कर सकते हैं। मेरी जिंदगी में कई तकलीफें हैं, पर मेरे होठ उनको नहीं जानते, वो हमेशा मुस्कुराते हैं। आपको शक्ति की तभी जरूरत होती है जब आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, अन्यथा प्यार काफ़ी है हर काम के लिए। यह एक निर्दयी दुनिया है और इससे निपटने के लिए किसी को भी निर्दयी होना चाहिए। निराशा एक नशा है, यह मन में उदासीनता उत्पन्न करता है। सच में हंसने के लिए आपको अपने दर्द को सहन होगा और उसके साथ खेलना होगा। जीवन एक नाटक है जिसमें परीक्षण की अनुमति नहीं, इसलिए गाइए, रोइए, नाचिए और मजे से जिए। पर्दा बंद हो जाने से पहले और इससे पहले कि बिना तालियों के खत्म हो जाए।